अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 4 के टॉपिक 40 to 43 करेंगे, और हमने इस जो मॉड्यूल था मॉड्यूल 4, इसकी वीडियोस थी 28 से 46 तक। 19 वीडियोस से हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए और फोर्थ पार्ट हम अभी करने लगे हैं। चलें जी, इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, क्लियर करते हैं। और अभी तक हमने जो क्या किया था लास्ट मॉड्यूल में, कि हमने जर्नल को डिवाइड किया था 4 हिस्सों में, ठीक है। 4 टाइप के जर्नल बनाए और उनको कहा सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। हमने किया क्या इनके साथ, कि हमने इनके अंदर सिर्फ उधार पे वाली ट्रांजेक्शन की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, ठीक हो गया। अच्छा, कैश पे कोई ट्रांजेक्शन उधर नहीं गई। अच्छा, अभी ये जो 4.9 प्रैक्टिस है, ये वो उन्हीं की बेसिस पे जो हमने लास्ट पढ़ा है। ये 4 जो जर्नल पढ़े थे, इनमें अभी एंट्रीज करनी है हमने, ठीक है। और हमने ये देखा था कि इनके अंदर जो जर्नल थे, इनके अंदर हमने डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे थे, बस जैसे कॉलम बनाए होते उसमें एंट्रीज करते जा रहे थे। अब देखते हैं यार, कार ट्रांजेक्शन थ्री अप्रोप्रिएट जर्नल्स, ये ट्रांजेक्शन कैसे करनी है। चले जी, क्रेडिट सेल टू द नेल्सन, मतलब क्रेडिट सेल मतलब करनी क्रेडिट पे है, ठीक है। 600 की जॉन को, सिमी जॉन को, और 200 हिल्स ब्रदर्स एक्स्ट्रा हिल्स ब्रदर 500 की, ठीक है। ये पहली ट्रांजेक्शन है और ये नाम आप देख लें, क्रेडिट किए हमने सारे, ये देख लें जी। नेल्सन December 2 का 600, जॉन स्मिथ 200, हिल्स ब्रदर 2 500, ठीक हो गया। सेकंड देखें, जो रेड कलर है अभी फिलहाल इस पे फोकस करें, December 5 वाली, क्रेडिट सेल्स टू मदीना स्टोर्स, मदीना स्टोर को, जॉन स्मिथ और फाल्कन को, 5 दिसंबर को, इनको उधार पे हमने सेल, हमने उधार के उधार पे सामान दिया, ठीक है, उसको क्रेडिट सेल कहते हैं। December 5 मदीना स्टोर, जॉन स्मिथ और फाल्कन, आगे अमाउंट देख लें आप। अच्छा जी, December 6 वाली देखें, क्रेडिट परचेज फ्रॉम फाल्कन ₹1000। अच्छा जी, अभी जरा इनके जर्नल के नाम देखें, सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल। तो ये क्या है, क्रेडिट परचेज, तो इसको मैंने ब्लैक इस वजह से किया है, इसके जर्नल आगे हम करेंगे कैसे, इस जगह पे करेंगे, ठीक है। आप तो परेशान हो, हम ब्लैक वाली छोड़ रहे हैं, इंटेंशनली छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से 6, 10 और 12 वाली छोड़ दो, ये सारी परचेज की है। जो सेल्स वाली है वो सेल जर्नल में होती है, और जो परचेज वाली परचेज जर्नल में होती है, ठीक है। इसमें मैंने ब्लैक रखा, रेड वाली अभी करेंगे और ब्लैक वाली अगली स्लाइड में करेंगे। फिर समर रेटिंग में लेते हैं, क्रेडिट सेल्स टू सुपरमार्ट, ठीक है, सेल किया हमने सुपरमार्ट को हम 650 लिखते होंगे, उसके आगे रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम सुपरमार्ट, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर रिसीट एंट्री होगी सुपरमार्ट के सामने December 28। चलिए जब देखते हैं जाके, हमने December 28 पे एंट्री की हुई है, बिल्कुल 150 वाली की हुई है। December 10 वाली एंट्री मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, December 10 वाली, गुड्स रिटर्न बाय नेल्सन, ठीक है। अच्छा, गुड्स जो रिटर्न हुई है, आपने सेल की थी, ठीक है, आपकी सेल रिटर्न हुई थी और आपको अब वापस आ गई है, तो दिसंबर वाली जो है गुड्स रिटर्न, आपने सेल्स रिटर्न जर्नल में इधर एंटर करनी 10 में, ठीक हो गया। तो इसका जो कलर ब्लैक रह गया, इसके लिए मैं माजरा खा हूं, बाकी 6 और 12 दिसंबर 24 दिसंबर वाली अभी हम करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्रेडिट परचेज December 6 वाली देख, क्रेडिट परचेज फ्रॉम फाल्कन, फाल्कन से 1000 का सामान हमने उधार खरीदा, मतलब हमारा डेटर है, तो हमने परचेज जर्नल के अंदर हमने फाल्कन के आगे 1000 लिखना। गुड्स रिटर्न बाय नेल्सन, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय नेल्सन, तो हमने सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। गुड्स रिटर्न टू स्टोर, अभी हमने जो परचेज की थी वो हम रिटर्न कर ले, तो परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर हमने एंट्री करनी, तो December 6 और December 12 वाली एंट्री देखें जी। December 6 वाली इधर आ गई, December 12 वाली इधर आ गई, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा ये अभी यहाँ देखें, ये वाला कलर भी बस थोड़ा कलर का हो रहा है, थोड़ा मैंने वो सारे रेड या ब्लू नहीं कर सका, तो मतलब आइडिया जो देना था वो, इस वजह से मैंने थोड़े कलर चेंज किए थे। अच्छा, December 4 वाली क्रेडिट परचेज, ठीक है जी, क्रेडिट आपने परचेज किया तो आपके परचेज जर्नल के अंदर एंट्री होनी है। इसी तरह भी कौन सी एंट्री रह गई है, परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर 12 दिसंबर वाली भी आपको दिखानी है मैंने जी। गुड्स रिटर्न टू स्टोर स्टार गोल्ड, मतलब आपने खरीदी हुई चीजें वापस की थी, तो परचेज रिटर्न हो गया आपका, ठीक है, परचेज रिटर्न होगा, तो आपने December 12 वाली ये वाली एंट्री आप देख लें, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेम्बर क्या थी, रिटर्न आउटवर्ड जब भी वर्ड आएगा तो आपने समझा है कि परचेज रिटर्न हो रही है, रिटर्न इनवर्ड्स का जब भी नाम आएगा तो आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है, जो आपने बेच दी वो वापस सामान आ गया है। कैश जर्नल, कैश बुक क्या चीज है, उसके बाद करेंगे कैश बुक। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि कैश बुक को कैश जर्नल भी कहना है, ठीक है।
तो इससे हमें ये पता है कि चले कि जिसके साथ जनरल वर्ड लगा तो जरूरी है उसमें सारा को क्रेडिट ही होगा। तो कैश जनरल जब आ जाएगा या कैश बुक आ जाएगी तो उसमें नीड फॉर कैश बुक ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैश विल बी इंक्लूडेड इन कैश बुक। ठीक हो गया, कैश बुक के अंदर वो सारी डिस्क की जाएंगी जो कि कैश के ऊपर करते हैं, जैसे आपने पैसे दिए चीज ले ली, पैसे दिए चीज ले ली, जैसे दुकान पे आप जाके लेते हैं तो वो कैश बुक के अंदर एंट्रियां हो रही होती हैं, वो अपना बिजनेस वाला कर रहा था। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और थ्री कॉलम। अच्छा एक्चुअली ये कैश बुक की इस तरह टाइप्स हैं कि जो कैश बुक का जैसे एक पेज होता है तो उसके फॉर्मेट डिफरेंट है। ठीक है, एक बुक ऐसी है कि जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है उसमें सिर्फ कैश एंट्री होती है, एक कैश बुक ऐसी है जिसमें दो कॉलम होते हैं बैंक कॉलम कैश बुक कॉलम, तीसरा एक और होता है जिसके अंदर कैश कॉलम होता है बैंक कॉलम होता है और तीसरा पेटी पेटी कैश वाला होता है। ठीक है जी। अच्छा जी थर्ड कॉलम वाला हमने जाके देखेंगे शायद, मैं एक मिनट मुझे वेरीफाई करने थे मुझे उस वक्त तक जी सॉरी यहाँ पे थोड़ी मैं करेक्शन करना चाहूंगा। थर्ड कॉलम वाले के अंदर देखिए एक कॉलम होगा कैश का एंट्री होगी, एक होगी बैंक की बुक होगी और तीसरी एंट्री हमने क्या करनी है जो आपने डिस्काउंट दिया या जो आपने डिस्काउंट लिया। ठीक है हो गया, पेटी कैश बुक एक अलग बुक होगी उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारी एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा कैश बुक। अच्छा जी कैश बुक के अंदर पहले सिंगल कॉलम वाली देखते हैं। ठीक है जी, अब सिंगल कॉलम वाले को देखें, इस सेंटर में ना ये जो डेट है ये डेट ये जो अपनी लाइन में जिसके ऊपर ये मेरा कर्सर जा रहा है ना एक बार क्लिक भी कर देता हूँ तो नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो जा रहा है यहाँ पे आप समझो कि ये दो हिस्से हो गए लेफ्ट राइट। ठीक हो गया, डेट रिसीव्स मतलब अगर आपको कैश रिसीव हो तो आप नहीं तो लिख लेना, पोस्ट रेफरेंस किस रेफरेंस से मतलब आई हुई है, कोई इनवाइस का नंबर या लेजर का इनवाइस का नंबर वाउचर का नंबर वो आएगा तो आगे जाके हमें कंफर्म हो जाएगा, आगे चल के हम करेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिकली वो पेज नंबर एंटर होता है या कैश मेमो नंबर एंटर होता है। अमाउंट कितनी होगी कैश में आई वो आपने अमाउंट के अंदर लिख देना है। ठीक है यहाँ पे, और फिर डेट उसकी होगी जो पेमेंट्स की है। ठीक है डेट वाइज होगा, तो इससे बात आपको एक और जहन में आ रही होगी पक्की हो रही होगी कि जो जनरल है उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल डेट्स मतलब एंट्रियां होती हैं, जैसे डेट वाइज लिखा ना तो डेट वाइज एंट्रियां हो रही होती हैं, पहली डेट पे 5 डेट पहले आएगी, 6 डेट फिर 7 डेट ऐसे डेट्स एंट्री करते जाने। टू कॉलम वाले में हमने मैंने बताया था आपको कि डेट्स पेमेंट रिसीट्स जो आपके कैश आएंगे उसके अंदर लिख लेना, ये पीआर मतलब पोस्ट रेफरेंस। ठीक है कैश रेफरेंस सॉरी कैश रुपीस बैंक रुपीस। ठीक है अच्छा कैश रुपीस जो आपके पास कैश आ रहा है, बैंक रुपीस क्या होंगे जो आपका बैंक के अंदर अकाउंट है उसका रिकॉर्ड जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी जैसे मैं मेरा जी बैंक के अंदर अकाउंट है, मैं अपनी खुद से भी एक डायरी मेंटेन करता हूँ तो मेरे लिए वो बैंक बुक होगी। अच्छा जी उसके बाद कैश बुक के पेमेंट्स करेंगे, डेट्स लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे, पोस्ट रेफरेंस करेंगे, कैश और बैंक। जाहिर आप कैश आपको चेक रिसीव भी हो सकता है, चेक आपको चेक से आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी तीसरा क्या था कॉलम कैश बुक, कैश बुक में क्या था देखें, अगर आप पेमेंट आपको आ रही है तो आप जो पेमेंट आ रही होंगी तो किसी पेमेंट लेनी तो आप डिस्काउंट दोगे ना, तो इसमें डिस्काउंट अलाउड इस जगह आ गया कैश बुक और कैश रुपीज और बैंक रुपीज। ठीक है अच्छा डेट पेमेंट्स जब पेमेंट्स आपने किसी को करने तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस पर डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आ जाएगा कैश और ये वाला। ठीक है ये कैश बुक की टाइप फॉर्मेट के हिसाब से किस समय बना होता है उस हिसाब से बना दिए इसमें। कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस सब तो पहले तो आप ये इसका फॉर्मेट देख लें। ठीक है ये डेट होगी, रिसीट्स होगी, इसमें एक ही रिसीट्स होगी, पर्टिकुलर्स होंगे मतलब किस क्या काम क्या हो रहा है। ठीक है उसकी जैसे नरेशन हम लिखते हैं या डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, फिर टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स मतलब क्या कि इंटरटेनमेंट फोटो ये डेट इधर इस डेट के ऊपर क्या क्या खर्चे के टोटल पेमेंट इधर कर देंगे आप। ठीक है इसको हमने डिटेल से आगे से देखना, इसमें से इतना ही काफी है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर आर ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग कैश बुक। ठीक है जैसे जनरल के अंदर परचेज जनरल, सेल्स जनरल, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जनरल के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते थे, इस तरह कैश बुक के अंदर हमें सिर्फ कैश बुक की कैश ट्रांजेक्शन करें, बैंक इज कैश इक्विवेलेंट। बैंक देखे जी कि कैश इक्विवेलेंट कह रहा है मींस कि वो कैश ही है। ठीक है कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उसको मतलब जब चाहे हम जाकर निकाल लें। हाँ ये है कि सैटरडे संडे ना हो वैसे एटीएम से थोड़े बहुत निकाल सके लेकिन बिजनेस की जरूरत ज्यादा की होती है। डिस्काउंट्स आर एसोसिएटेड टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। ठीक हो गया जो हमने देखा कॉलम भी देखा उसका। सिंगल कॉलम कैश बुक
अब सिर्फ हमने सिंगल कॉलम कैशबुक के अंदर एंट्रीज करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करने लगे, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। पहली एंट्री क्या है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बीएफ ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब पिछले महीने से जो कैश आपके पास पड़ा हो ना, तो उसको जब अगले महीने की एंट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अगले महीने के पहले पेज पे जैसे पहली लाइन के ऊपर पिछले का बैलेंस शिफ्ट करते हैं उसको कहते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड 400, ठीक है। तो ये किस किस साइड पे आएगा, रिसीट साइड पे, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, कैश पे चीजें बेची तो पेमेंट आई आपको रिसीट साइड पे। तो पहली दोनों एंट्री हमने रिसीट साइड पे देख लेते हैं जल्दी से, 4000 और 40000 वाली, ये देखिए जी एंट्री पड़ी है 40000, 4000 और 40000 मार्च 1 और 3 की। दोबारा वापस चलते हैं, मार्च 7 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अल्फा, क्या कहा था, कैशबुक के अंदर सिर्फ कैश एंट्रीज होंगी, तो क्या है क्रेडिट, तो लिहाजा मैंने रेड करके आगे क्रॉस लगा दिया है, तो इसको बिल्कुल हमने इंक्लूड नहीं करना कैशबुक में। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में वही हमने पेमेंट करके ली, तो पेमेंट साइड पे आपको 10000 वाली एंट्री में दिखा देता हूँ, ये देखिए 10 परचेज 28000 है, ठीक है। अच्छा जी मेरे मुंह से स्लिप हो गया है कि 10000 एंट्री, एक्चुअली 10 मार्च में एंट्री थी 28000 की। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बस ये क्रेडिट जहां वर्ड आए छोड़ दो आप, उसको एंट्री नहीं करनी कैशबुक के अंदर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर मतलब डेटर साइड पे, पेमेंट साइड रिसीट साइड पे इसकी पेमेंट 75000 की आएगी। एंड मदीना पार्ट पेमेंट इन कैश टू क्रेडिटर 15000, तो हमने एक 18000 की एंट्री देख लेते हैं रिसीट साइड पे, 19000 की पेमेंट साइड पे देख लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गई जी एंट्री 18000 पे 75000 की देख ली, और 19 तारीख पे हमने पेमेंट साइड पे देख ली। अभी दोबारा हम चलें चलें जी आगे आगे हैं, पेड पार्ट इन कैश टू क्रेडिटर हो गया। अच्छा पेड कैश सैलरीज आपका देखें हमने पेमेंट की है, तो पेमेंट साइड पे आएगी। बार्ट फर्नीचर फॉर कैश पेमेंट साइड पे आएगी। पेड इलेक्ट्रिसिटी तीनों पेमेंट साइड पे 20000 25000 5000 की एंट्री देख लेते हैं, 20000 25000 5000। अच्छा जी आखिरी एंट्री जो 31000 वाली है वो कहाँ से आ गई, यहाँ तो है नहीं, तो ये हमने अभी समझना है ये कहाँ से आ गई है। अच्छा जी अभी देखें आप अपने जरा कैलकुलेटर थोड़ा सा मेरी मेरे कहने पर उठा के थोड़ी सी तकलीफ करें आप क्या करेंगे अभी, 4000 और 40000, 4000 को प्लस करेंगे फिर प्लस करेंगे 75 को, टोटल हो जाएगा 119000, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 1000 को कैलकुलेटर के अंदर रख के माइनस करना है 28000, फिर माइनस करना है 15000, फिर माइनस करना है 20000, फिर माइनस करना 25000, फिर माइनस करना 5000। तो जब सारे माइनस हो जाएंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी तो हम क्या करेंगे उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके इधर कर देंगे, ठीक है। बस जी काउंटिंग जहां भी पढ़नी है ना लेफ्ट और राइट साइड बराबर होनी चाहिए आपको, तो ये वाला बैलेंस जो है इधर आपने 190 माइनस करके सारे फिगर माइनस करने हैं, और ये वाली जो महीने के एंड पे इसको क्लोजिंग बैलेंस भी समझ सकते हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि अगले महीने की जो होगी तो उसके पास इसका मतलब ये कि हमारे पास कैश में 26000 पड़े हुए हैं, यहाँ से पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमने पेमेंट्स कुछ की थी, तो आपने ब्राड ये अगले महीने का ब्राड फॉरवर्ड बन जाएगा, ठीक हो गया जी। चले जी आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैश एसेट है इट्स ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी रिप्लेस इन प्लेस इन डेबिट साइड रिसीट साइड, ठीक है हमने देखा भी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज एक्सेस ऑफ रिसीट्स ऑफ पेमेंट, नो बिल्कुल ऐसे ही है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है कि हमने क्या किया था कि इस बैलेंस का एक्सेस जो है पेमेंट से तो हमने उधर लिख दिया था, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तीसरी क्लोजिंग बैलेंस कैश इज ऑलवेज प्लेस्ड क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस विद बोथ साइड, ठीक हो गया जी। क्लोजिंग बैलेंस कह रहे हैं क्रेडिट साइड पे प्लेस करते हैं, यहाँ के भले यहाँ पे वो नहीं एंट्री ये क्रेडिट डेबिट नहीं है लेकिन राइट साइड पे क्रेडिट होती है इस वजह से उसने लिख दिया, ठीक है जी। चले जी अभी हम करते हैं 43 लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, टू कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। क्या है इसके अंदर एंट्री करनी है, अभी हमने बैंक और कैश दोनों की एंट्रियां करते जाना है, ठीक है जी। जल्दी से देखते हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 7000 25000, ठीक है 7000 कैश में लिख देंगे 25000 बैंक में लिख देंगे, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप 7 और 25000 वापस आ जाए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40000 की चीजें बेची, क्या मतलब 40000 थी अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट, ट्रिक देखा इसका, ट्रिक देखे इसने किया, कैश पे कहता मेरे फोरन उधर जमा करवा दे, जब बंदा कंफ्यूज रहेगा भाई कैश में डाल दूं कि बैंक में डाल दूं मुझे तो बताओ, तो हमने क्या है ऐसी एंट्री को क्या करना है, हमने सेल्स बैंक साइड पे डाल दी, ठीक है जी। समझे कि वो उसमें ली और फौरन जमा करा दी, कैश में रखी नहीं, ठीक है, तो अपने बैंक साइड पे इसको डाल देना, ये बैंक साइड, ठीक है जी। जब वापस आते हैं, अच्छा जी
तीसरी ठीक है, बार्ट स्टेशनरी फॉर कैश, बार्ट कैश स्टेशनरी मतलब पेमेंट कर दी 2000 की, तो कैश में वो दिखा देता हूँ मैं। बार्ट फर्नीचर पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। अब दो एंट्री हमने पेमेंट साइड पे 2000 की और 10000 की देखनी है, एक बैंक की है, ये बैंक कैश वाली और बैंक वाली, ठीक हो गया। 5 और 9 पे, 5 और 9 पे 2000 की कैश की और 10000 की ये, टाइम बचाने के लिए दो दो एंट्रीज इकट्ठी करनी पड़ रही है। अच्छा जी, रिसीव्ड पेमेंट फिर कैश, 15000 के कैश लिया आया है 15 तारीख को इसके ऊपर कैश साइड पे, ओहो ये वाला 15, ठीक है जी, ये कैश साइड पे आ गया। अच्छा जी, अभी वापस आते हैं। 16 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम 20,000 फ्रॉम डेटर कीपर, सॉरी डेटर कबीर एंड डिपोजिट इन बैंक, ठीक है। ये चेक आया है, रिसीव किया और बैंक के अंदर जमा करवा दी, तो 16 तारीख को 20,000 की एंट्री आपने क्या करनी है, आपने ये कर दीजिए बैंक के अंदर, ठीक हो गया। वापस आ जाए, 20,000 पे क्या किया, मेड पेमेंट टू क्रेडिटर अबीर थ्रू चेक, तो इसका मतलब बैंक साइड पे पेमेंट साइड पे 20 तारीख को 18,000 डाल दो, 20 तारीख को क्रेडिट अबीर को 18,000 रुपये डाल दो बैंक साइड के ऊपर, ठीक हो गया। जब भी चेक के जरिए पेमेंट होगी तो बैंक वाली एंट्री होगी, ठीक है जी। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन दोनों एंट्रीज इकट्ठी आ गई, फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक फ्रॉम ऑनर पर्सनल यूज, देखा जी। अभी इसमें भी इसने ट्रिक खेला है, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये वैसे ये विड्रॉन है और ये ऑफिस यूज के है दोनों पेमेंट्स, तो 22-25 तारीख पे हमने देखते हैं क्या हो रहा है, 25,000 8,000। अच्छा जी, ये 22 तारीख देख रहे हैं, एक मिनट जी, 22 तारीख पे कितनी, मतलब 25,000 फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा अभी देखें, ये मैं आपको इस वजह से इधर ले आया था कि मैं जबानी बताता हूँ, समझ नहीं लगनी थी। 22 तारीख को क्या हुआ, कैश हमने निकाले 25,000 बैंक से, ठीक है। बैंक ने पेमेंट की मतलब कैश की 25,000 में, चेक से हमने निकाले, ऑफिस यूज के लिए निकाले, उनका क्या किया, ला के हमने, ऑफिस यूज का मतलब क्या हुआ, तो कैश के अंदर हमने डाल दिए, जो दुकान के अंदर वो एक बॉक्स होता है मनी बॉक्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर डाल दिए हमने ला के, ठीक है जी। तो इस वजह से अब सीसी लिखा, अब सीसी का क्या मतलब है, कंट्रा, कंट्रा एंट्री, कंट्रा एंट्री को जल्दी से समझ लें, ये ऐसे ही है जी, मैं अपनी जेब से पैसे निकालूं और अपने ही अकाउंट में बैंक में जाके जमा करा दूं, तो किसी को फायदा हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, मेरे पैसे थे मैंने बैंक से जमा करवा दिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि बैंक से जब निकाल के अपनी जेब में डाल लेना, तो ऐसी एंट्री को कंट्रा एंट्री कहते हैं, समझ आई जी। चले जी, ठीक है जी, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑनर्स पर्सनल यूज 8,000, अभी इसकी एंट्री कैसे करनी है, 25,000, जरा देखें जरा अभी 25 तारीख वाली एंट्री। अच्छा जी, 25 तारीख वाली एंट्री देखें, ड्राइंग्स, ठीक है, वो कैपिटल से जो माइनस वाला ड्राइंग होती थी ना, तो भाई इसकी हमने ड्राइंग के अकाउंट में डाल के तो पेमेंट 8,000 की कर दी, सही हो गया जी, बैंक के थ्रू। वापस आ जाएं, अच्छा जी अभी आ जाएं यहाँ पे, कैश रिसीव सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हमने सेल की ओल्ड मशीन कैश पे 60,000, 28 तारीख को आपने, ओहो मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, 28 तारीख में 60,000 कैश साइड पे डाल देने, ठीक है। अभी लास्ट में रह गई एक एंट्री 30 वाली, और वो है जनाब हमारी ये वाली एंट्री, कैश डिपोजिट टू बैंक 75,000, पेड सैलरीज इन कैश 20,000। अच्छा हो क्या रहा है देखें जरा, कैश डिपोजिट किया 75,000 का 30 तारीख को, अच्छा अपना ही कैश है वो जाके बैंक में जमा करा दिया, कंट्रा एंट्री बन गई है ना, किसी को फायदा नुकसान नहीं है। पेड सैलरीज इन कैश 20,000, ये पहले मैं 30 तारीख में, पहले आपकी जो एंट्री है 30 तारीख वाली सैलरीज वाली सीधी सीधी आपको दिखा दूँ। अच्छा कैश इधर से निकाला, कैश मतलब हमारा जो कैश था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। और इसकी जो कंट्रा एंट्री थी वो ये वाली कैश होगी, मतलब कैश बैंक से हमने पेमेंट की, ठीक है, सॉरी इसमें कैश अकाउंट से हमने पेमेंट की, मतलब जेब से पैसे हमने दिए, किसको दिए, बैंक को पेमेंट, किस पेमेंट पर्टिकुलर में उसका नाम होता है ना कि जिसको जा रहे होते हैं, 75,000 जा रहे बैंक को, तो इसकी कैश इधर आ गया, ठीक है जी, बैंक के अंदर आ गया, मतलब कैश अकाउंट से निकाल ले और बैंक के अंदर डाल दिए, तो कैश से मतलब ट्रांसफर हुए तो बैंक के अंदर रिसीव हो गए, ये आ गए। अभी वो ही काम करेंगे हम दोबारा, इन सब का टोटल करेंगे और इन सब का टोटल करेंगे, फिर कैलकुलेटर उठाएंगे, 107,000 में से ये सारे कैश वाले माइनस करेंगे सैलरीज तक, जो बाकी बचेगा हमने इधर लिख देना है, ठीक है जी। इस तरह बैंक वाले को टोटल करेंगे 1,60,000 पे, और 10,000 माइनस करेंगे, फिर 18 करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 8,000 करेंगे, जो बाकी अमाउंट बनेगी 99, वो इसको हम
प्लस कर देंगे, और जब हम इसका और इसका टोटल करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे कंट्राक्ट डी कैश अकाउंट रेप्रिको रेसिप्रोकेट्स वर्ड रेसिप्रोकेट्स विद बैंक अकाउंट। रेसिप्रोकेट्स होता है टू एंड फ्रॉम मोशन, आगे पीछे मूवमेंट करना, मतलब अपने ही अकाउंट कैश अकाउंट से निकाल के बैंक में डालना, ये कंट्रा एंट्री है। कंट्रा एंट्री कैश डिपोजिट टू बैंक, ये कंट्रा एंट्री है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज नॉट पर्सनल यूज। ठीक है, यहाँ पे माशाल्लाह हमने मॉड्यूल 4 का 4 पार्ट खत्म कर लिया है। कोई भी कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह आपके वो इश्यूज भी निकाल दिए जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।